हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं मूली की बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। खाने के साथ आप खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मूली ले ली, अच्छे से धो करके छिलका उतार लेंगे। उसके बाद ग्रेटर के मोटे वाले साइड से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए, सारी मूली को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। अब गैस पर हम यहाँ पर एक पैन रख लेते हैं और पैन में एक चम्मच हम यहाँ पर डाल लेंगे सरसों का तेल। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो एक छोटी चम्मच हम यहाँ पे जीरा डाल लेंगे और जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हम यहाँ पे लहसुन अदरक डाल लेते हैं। तो 8-10 कलियाँ लहसुन की डाल लें और 2 इंच अदरक का टुकड़ा डाल लेंगे। लहसुन का टेस्ट चटनी में बहुत अच्छा आने वाला है और लहसुन वैसे भी हेल्दी भी होता है, खासकर सर्दियों के मौसम में तो बहुत हेल्दी होता है। तो आप लहसुन को ज़रूर इस्तेमाल करें। चटनियाँ वैसे भी हेल्दी होती हैं, कोई चटनी हम कच्ची भी खाते हैं तो कच्ची चीज़ तो वैसे ही हेल्दी होती है। इसे हम थोड़ा सा भून के खा रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और लो फ्लेम में हम लहसुन को भूनेंगे ताकि ये जले ना। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सुनहरा कलर हो जाए और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, इतना ही इसे भूनना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 टमाटर और 3 हरी मिर्च यहाँ पर डाली है, मोटा मोटा काट लिया हरी मिर्च को भी और टमाटर को भी। तो अच्छे से एक बार चम्मच से चला लेते हैं। 1/4 चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल लेंगे, आप स्वाद अनुसार डालें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और 1/4 चम्मच हम यहाँ पे देगी मिर्ची डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा और ये तीखी कम होती है। और अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेट की हुई मूली भी डाल लेते हैं। आपको मूली का पानी नहीं निकालना है, पहले ही आपको पानी सहित ही मूली को इसमें डालना है। और मूली डालने के बाद अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो ये चटनी लाल मिर्ची के साथ भी बनाई जा सकती है, लेकिन हम लाल मिर्ची थोड़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो हरी मिर्ची तो थोड़ा हेल्दी भी होती है, तो मैंने हरी मिर्ची के साथ ही बनाई है। लाल मिर्ची डालने से इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद ढक्कन लगा के टमाटर सॉफ्ट होने तक हम चटनी को पका लेंगे। बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ही टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और एक बार चम्मच से और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। तो देखिए, चटनी को हमने यहाँ पे ग्राइंडर जार में डाल लिया है। उसके बाद ढक्कन लगा के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से आपको ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, चटनी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। चटनियाँ तो वैसे भी खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। हमारे घर में मैं हमेशा कोई ना कोई चटनी बना के ज़रूर रखती हूँ। खाने के साथ बहुत टेस्टी लगती है, चटपटी भी बहुत होती हैं। उसके बाद गैस पे हम यहाँ पे एक पैन रख लेते हैं। तो यहाँ पे तड़का लगा लेंगे और 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच हम यहाँ पर सरसों डाल लेते हैं। और जब ये अच्छे से चटक जाएगी तो हम यहाँ पर 8-10 कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल है। उसके बाद हल्का सा इसे भून लेंगे और हम चटनी में तड़का लगा लेंगे ऊपर से। तो ये देखिए, चटनी में हमने तड़का लगा लिया है। और थोड़ा सा चम्मच से अच्छे से चला लेंगे ताकि तड़का सारी चटनी में अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। मूली की बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। फ्रिज में आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है। अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन चाहिए तो आप इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूँगी आपको अगली एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।